सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया चैनल को करें सब्सक्राइब और इस घंटे को दबा दें। माता रानी की कृपा बरसेगी। बोलो जय माता जी। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, रुद्रांश ने किस तरीके से अपना गंदा सा डांस कर आड़े टेढ़े सवाल पूछकर सर को दिला दिया था गुस्सा। तो देखते हैं इस एपिसोड में सर अपना बदला ले पाते हैं या फिर से रुद्रांश देता है सर को इस खेल में मात। ये एक नर है, ये एक मादा है। नर मादा को पसंद करता है और अपने दिल की बात कहने जा रहा है। बोले हम बाद में, पहले जो बताओ। वीडियो को एडिट कर रहा हूं। मैं तुम एकदम ऐसे भ्रष्ट बुद्धि आदमी हो, तुम्हें एडिटिंग को जेड भी नहीं आउट। तुम्हें जो समझ नहीं आ रही कि तो चल कर रहे और हम गाना कौन सा बजा रहे हैं। अब आई तुम आड़ी टेढ़ी गाना बजा, फिर हम नीली बिल्ली बन के नचन लगे। इस तई अबे हाल टुड़न 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 बनी एडिटर चल भी। चले एडिटर बन भी। बात नहीं काटू करे हमारी। लो जो रही दूसरी एडिटिंग, जो कैसी है बताओ। वाह लोंडे, जलवे खींच दिए, क्या बात है। चलो टाटा, अब करो अपने घर है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तमन्ना। अच्छा, फिर तो तुम्हारे पिताजी का नाम जरूर सरफरोशी होगा ना। मगर वो क्यों? क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उल्लू बना रहा हूँ हमें। जल प्रवाह भावितस्तरी गोली मारो, घेरो घेरो टोरे। गोलियां चल गई रे लीलू, सबरे टेबलन के नीचे दुख जाओ रे, हरा जाओ। मां सब यूपी पुलिस गई, हम भी गोलियां चला ली। तुम तो डरा गए यार। डराए मराए नहीं है हम कछु, हम तो सोच रहे थे कि मोड़ी मोड़ा खेल ले तोने के संग। एक मिनट माँ साहब, जी मार के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप जानत नहीं है हम क्या कर सकत। क्या कर सकत बे? हम इतनी तेज अपनी सीट पे बैठे के तुम्हें पता भी नहीं चले। नमस्कार गुरुदेव। और बेटा कैसो पड़ी रे पट। अगर ही के आगे तुमने ठू ठू बोल रही तो ऐसा ठूस आते साले, सीधे लंका जाके गिरो। लंका मंका तो ठीक है, जो बताओ जो मां सामने होमवर्क दो तो वो कर लिया के नहीं। उरी क्या दो तो री मां सामने, मुझे तो पतो ही नहीं है यार, बता दे यार डोन। ज्यादा कचूनी, बस जो मां सब सवाल पूछे उनके उत्तर देने तुम्हें बस। उत्तर ही तो देने, बातें बनावी में तो अपन हो रहे सहन सा, वे तो आराम से दे ले अपन जवाब। हाँ बेटा रुद्रांश आ जा, तुमसे सबसे पहले सवाल इनकी शुरुआत कर रहे। अच्छा माँ साहब, एक सवाल पहले हम पूछ ले आपसे। अक्साले पिछली बार तुमने ऐसे गंदी गंदी सवाल पूछे थे। नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं। बिक्की प्लीज। हैं का कह रही है? अरे अरे माँ साहब प्लीज। अच्छा पूछो, पर एक ही सवाल पूछिए और सवाल ढंग का होना चाहिए। अच्छा माँ साहब ऐसा वाक्य बताओ जी में हिंदी उर्दू पंजाबी और इंग्लिश के शब्द एक संग आए। जवाब देने समझे। टेबल पर चाय किसने गिरा दी, इसे अपनी मातृभाषा में बोलो। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा।
आओ बेसोई कछु। कुत्ते हराम जादे ठटरी फैला दी टेबल पे चाय, नहीं पड़े कलेजी को चे चैन नहीं पड़े, इतनो हैरान करके जो टेबल पे चाय और बगरा दे। और पढ़ाई लिखाई तो एकदम बंद चल रही है तुम्हारी, पता है जब हम तुम्हारी उम्र की थी ना अगरबत्ती की रोशनी के नीचे पढ़ा करते थे अगरबत्ती की। पर तुम्हें कहाँ समझ आनी है ये सब बातें, तुम्हें तो बस खिलवा लो पबजी खिलवा लो। अरे और बड़े होके बस होटलों पे बर्तन मांजना, अरे होटलों पे बर्तन मांजने वाला मेरे घर में नहीं रह सकता, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अच्छा चलो जी छोड़ो जी, बताओ भारत से विदेश जाने वाली पहली महिला कौन थी? माँ सब माता सीता, क्योंकि वो लंका गई थी। अच्छा छोड़ो जी बताओ यमुना नदी कहाँ पर बहती है? माँ साहब यमुना नदी धरती पर बहती है। अब ये नक्शे में कहाँ बहती है? माँ साहब एकदम ऐसा गदाया समझ लो हमें तो, अगर नदी नक्शा पे वैसो नक्शा गीलो नहीं हो जाए माँ साहब। अच्छा चल जी बता, संदीप अब शराब नहीं पीता है, इसमें संदीप क्या है? माँ साहब संदीप माता रानी का भक्त है और उसने नवरात्रि रखे हुए हैं। भक्साली हमेशा उल्टे जवाब। अच्छा ये बता जिसे सुनाई नहीं देता उसे हम लोग क्या कहते हैं? माँ साहब आप तो कछु भी कह लो, वह कौन सा सुनाई दे रहा हो? अरे अच्छा चल जी बता के हमारी पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? माँ साहब हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। क्या बात है लोंडे, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? माँ साहब श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा चल ये बता शिव का धनुष किसने तोड़ा था? माँ साहब हमने नहीं तोड़े तो उतना तो हम स्कूल भी नहीं आए थे। अबे गधा। अच्छा चल जी बता 15 अगस्त को हम सबको क्या मिला था? माँ साहब 15 अगस्त पे अपन सबको लड़ुआ मिले थे। अभी गधा 15 अगस्त पे हम सबको आजादी मिली थी, आजादी। माँ साहब देखो पैरा पास लेरिटी वाली बातें कर रहे, हमें तो केवल लड़ुआ ही देती इन सबको, आजादी भी देती संगे संगे, बहुत बढ़िया। तुम ये बताओ तुम पढ़ाई काय नहीं करते हैं? माँ साहब काय की पढ़ाई केवल 2 वजहों से करी जाती है, या तो शौक से या डर से। भी मतलब के शौक हम पालते नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं, समझ में आया क्या? अच्छा तो फिर कल अपने पिताजी को स्कूल लेके आना। अरे अरे माँ साहब तुम तो भावुक से हो गए यार, पिताजी को नहीं बोला, पिताजी मन जा सुद्धे हम बहुत कसके है। कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है बस। अरे यार माँ साहब ने जो तो अलग आफत बिदूद है यार, अब कजो कन्ने आए नहीं पिताजी मन जा सुद्धे का करें का करें। अरे आइडिया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आई एम साइनिंग आउट, दी अननोन गाय।